देश एवं उत्तर प्रदेश में आसमान छूती महंगाई पर अंकुश लगाए जाने के संबंध में पीस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा एक ज्ञापन। पीस पार्टी द्वारा महंगाई के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन में कहा गया कि देश में पेट्रोल डीजल निर्मित उत्पादों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर भारी भरकम टैक्स लगाने से पेट्रोल 100 रुपये पार व डीजल 100 रुपये पहुँचने की कगार पर है। सरसों का तेल भी 220 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। रसोई गैस की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी आम जनता की कमर तोड़ चुकी है। रेलवे किराया बढ़ाने के साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को मिल रही छूट समाप्त कर दी गई है। दवा सब्जी इत्यादि के दामों में भी अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2021 में थोक महंगाई दर अब तक के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच गई है। खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ाने से खुदरा महंगाई में भी जबरदस्त उछाल आया है। ईंधन और बिजली के दाम में बढ़ोतरी हुई है। महंगाई देश में अपना पांव पसारे जा रही है। लोग महंगाई से हलकान होकर महंगाई की चौतरफा मार से जूझ रहे हैं। लोगों को दो वक्त की रोटी जुटा पाना मुश्किल है, तब आसमान छूती महंगाई उनके दर्द को हद से अधिक बढ़ाने वाली साबित हो रही है। पीस पार्टी यह मांग करती है कि केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार एक माह के अंदर महंगाई पर अंकुश लगाए, अन्यथा पीस पार्टी संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत आंदोलन करने को बाध्य होगी। मेरा नाम रईस कुरैशी है। किस पार्टी का हुआ है प्रदर्शन? ये पीस पार्टी का आज ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम है जो पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। उसी संबंध में मुरादाबाद जिले के लोग मुरादाबाद के यहाँ आपके सामने मौजूद हैं। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर जिस तरीके से आज महंगाई चरम सीमा पर पहुँच चुकी है, डीजल और पेट्रोल के रेट बेकाबू हो चुके हैं। घर में रसोई का जो बजट है आम आदमी का गड़बड़ा गया है। घर घर में त्राही है। खाना की थाली इतनी महंगी हो गई कि आम आदमी को भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा है। दाल रोटी इंसान नहीं खा पा रहा है। भाजपा सरकार को इसलिए वोट दिया गया था, इसलिए लाया गया था कि महंगाई घटेगी, खुशहाली आएगी, लेकिन महंगाई और खुशहाली के बारे में जितने नारे बीजेपी के थे सब छलावा बन के रह गए हैं। इसीलिए पीस पार्टी धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आवाज़ राष्ट्रपति तक पहुँचा कर ये संदेश दे रही है कि महंगाई पर सरकार को काबू करना चाहिए।